जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। आज का हमारा सफ़र जो है राजस्थान के माउंट आबू का है, और वहाँ हम माउंट आबू में गोमुख मंदिर दर्शन करने जा रहे हैं, और आपको भी वहाँ के दर्शन करवाएंगे, और वहाँ जो जो स्थल बने हुए हैं वहाँ की दर्शन करवाएंगे। ये गोमुख पॉइंट, और इसके आगे जो जो है वो इन स्क्रीन पर दिया हुआ है, जो जो वहाँ दर्शन होंगे हमें, तो आगे चल के आपको बताते हैं। ये हमारा शुरू स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ से पहाड़ी, हमें नीचे को जाना होता है पहाड़ी से, और यहाँ जो पहाड़ियों में जो बताया गया है हमें, जो मिले थे यहाँ जो टूरिस्ट लोग जो आ रहे हैं उनसे, हमने पूछ के जा रहे थे, और वो भी हमें बता रहे थे कि वहाँ नीचे एक आश्रम भी है, जो हमारे सनातन धर्म में सप्त ऋषि हुए हैं, सप्त ऋषियों में ऋषि वशिष्ठ जी उनका आश्रम है। तो हमें ये यहाँ ही आके पता चला कि नीचे एक आश्रम भी है वशिष्ठ जी का, और सबसे खास बात ये है कि वहाँ वशिष्ठ ऋषि मुनि ने हमारे जो राम भगवान जी हुए ना, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न, चारों भाइयों को शिक्षा दी हुई है, जो छोटे बचपन होते जो शिक्षा ग्रहण की थी हमारे भगवान श्री राम ने और उनके तीनों भाइयों ने, वो यहीं पे इसी आश्रम में दी हुई है। और चलो आगे के चलते हैं और दर्शन करते हैं। और ये जो हम सीढ़ियाँ क्रॉस करके जा रहे हैं, ये 701 सीढ़ी है। 701 सीढ़ी जब नीचे जा रहे थे, जो जो हमें टूरिस्ट मिल रहे थे वो भी तो हम पे हंस रहे थे कि ये बहुत खुश होकर नीचे जा रहे हैं, पता तो ऊपर आते हुए लगेगा इनको कैसे चढ़ने होती है। तो सच में सही बताएं तो बहुत ही मुश्किल लगा नीचे जाना, क्योंकि थक रहे थे, और ऊपर से धूप, राजस्थान में गर्मी आपको पता है कितनी होती है, और वहाँ इतनी धूप चल रही थी। तो चलो हमारा नीचे उतरते हुए हमें सामने जब दिखा कि गोमुख पॉइंट आ गया, तो हमें थोड़ा रिलैक्स फील हो गया। तो सामने आपको दिखाते हैं, अभी धीरे धीरे सभी आ रहे हैं नीचे। तो ये हमारा गोमुख पॉइंट, और यहाँ वशिष्ठ जी का आश्रम है नीचे, और ये देखो ये हमारे गोमुख जी। यहाँ हमें जो सुनने को ये भी मिला कि ये जो गोमुख है, यहाँ गुप्त गंगा बोल सकते हैं, गुप्त गंगा बहती है, पानी कहाँ से आ रहा है वो नहीं पता, तो गुप्त गंगा आ रही है। तो ये हमें सुनने को मिला है कि यहाँ हमें जो वहाँ संत से उनने हमें बताया कि ये जो पानी चल रहा है, ये पानी सुबह प्रातःकाल 2 घंटे के लिए गर्म पानी आता है। कैसे आता है नहीं पता, पर सोचने वाली बात है, थोड़े आश्चर्य है कि कैसे आएगा पानी। तो साधु संतों के नहाने के लिए गर्म पानी आता है, तो उसके बाद ठंडा हो जाता है। और ये है हमारे वशिष्ठ जी का आश्रम। वैसे इधर तो अंदर फोन लेना मना था, तो फिर भी जितना उनसे, गुरु जी से आज्ञा लेकर जितना बना सका आपको उसी के दर्शन करवाएंगे। तो ये हम वृक्ष जो है ये 1394 का है, पुराना, और अभी भी हरा भरा है, ये सोचने वाली बात है, क्योंकि सनातन धर्म में और सनातन में ऐसे ऐसे रहस्यमय है जो अभी तक हमें भी नहीं पता था, किसी को भी नहीं पता होगा। और ये मंदिर जो है, ये वशिष्ठ जी का मंदिर है, और उनके साथ भगवान श्री राम और लक्ष्मण की मूर्ति है, और उनके साथ ही वशिष्ठ ऋषि जी की पत्नी अरुंधति जी की मूर्ति है वहाँ। और फिर आप भी दर्शन करिए, और हम फिर दर्शन करने के बाद थोड़ा इसकी भगवान की परिक्रमा लेना, तो परिक्रमा ली, उसके बाद हम जो जहाँ सेवा करते हैं हमारे संत महात्मा, उनसे हमें बैठ के थोड़ा और ज्ञान लिया कि ये मंदिर, यहाँ आश्रम कैसे बना, यहाँ कैसे शिक्षा होती थी, और कौन कौन से गुरु थे यहाँ। और उन्होंने हमें ये भी बताया कि ये जो हमारा ये माउंट आबू है, ये माउंट आबू नाम अंग्रेजों का है, असलियत में इसका नाम जो है अरबुदा पर्वत है, और अरबुदा पर्वत मतलब एक हिलता रहता था हमेशा, ये पर्वत हमेशा हिलता था। तो भगवान शंकर जी ने अपने पैरों के अंगूठे से इस पर्वत को रोका था हिलने से, तभी भगवान जी का अर्बुदा एक मंदिर भी है,
भगवान जहाँ भगवान शंकर जी का अंगूठा देखने को मिलता है, और उनके भी आपको एक ब्लॉग में दिखाएंगे, ब्लॉग बना देंगे, वो भी अंगूठे के दर्शन तो नहीं हुए पर वहाँ मंदिर के दर्शन तो आपको करवाएंगे। तो ये हमारी यात्रा जो इधर समाप्त हुई, ऊपर आए बहुत तो मुश्किल से, और बेटी खुश है क्योंकि बेटी उठा के लाए हैं, इनसे जरा भी नहीं चला गया। तो ये हमारा सफ़र यहीं समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।